अभी हम रास्ते में जा रहे थे और देख लीजिए हमारे साथ एक बहन दोनों कंधे पे 21 लीटर कांवर लेके झारखंड से समझ जाइए कोडरमा तिलैया से पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़ी है। सबसे पहले मैं इनको हौसले को जज्बे को सलाम करता हूँ, उसके बाद तमाम यहाँ के जो गाँव के लोग हैं मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ऐसे जगह पर लोगों को साथ देते और हमेशा साथ देने का प्रयास करते। अब समझ जाइए 21 लीटर कंधे पे जल लेके उसके बाद में झारखंड कोडरमा तिलैया से पैदल बाबा धाम जाएगी, उसके बाद कहाँ तक यात्रा तय करेगी मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। कहाँ से आप आ रहे हैं जल लेकर? सभी को राधे राधे। राधे राधे, कहाँ से आ रहे हैं जल लेके आप? ये हम झुरनी झुमरी तिलैया झरना कुंड से आ रहे हैं। अच्छा, यानी झारखंड से? हाँ, अच्छा, दोनों कंधे पे लेके कहाँ तक आप जाइएगा? ये हमारा पहले देवघर जाएंगे। हाँ। और देवघर से पैदल यात्रा करते हुए सुल्तानगंज। हाँ। और सुल्तानगंज से फिर ये जल जो है। हाँ। वो इससे भी ज्यादा रहेगा। क्या कोई मन्नत मांगे थे क्या, या कोई मन्नत पूरा आपका हुआ जो कि इतना कष्ट करते हुए बाबा भोलेनाथ के दरबार में जल चढ़ाने के लिए वो भी डायरेक्ट 400-500 किलोमीटर कंधे पे जल लेके चल रहे हैं आप? जी हाँ। क्या मनोकामना पूरा हुआ आपका? मनोकामना यही पूरा हुआ कि जब हम अयोध्या पैदल यात्रा गए थे। हाँ। तो एक मनोकामना था सरकार से, हम एक मांग किए थे। हाँ। कि हमारे झारखंड में गाय के लिए एम्बुलेंस दिया जाए। हाँ। जो कि अब आ गया है। हाँ। तो उसी के मनोकामना पूर्ण हेतु। हाँ। अब हम ये पैदल यात्रा काबर लेके कर रहे हैं। अच्छा, यानी गौ सेवा के लिए? गौ सेवा के लिए आपने कहा था कि झारखंड में अगर गौ सेवा के लिए अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाती है तो मैं झारखंड से देवघर 400-500 किलोमीटर पैदल यात्रा करूंगा, यही ना? जी हाँ। अच्छा, एम्बुलेंस की सुविधा मिल गई है? अभी उसे चालू नहीं किया गया। हाँ। लेकिन वो झारखंड सरकार। हाँ। उसे जारी बहुत जल्दी करेगी। अच्छा, कितना लीटर जल है आपको दोनों कंधे पे, कितना लीटर? ये 21 लीटर का लगभग में होगा दोनों। 21 लीटर? हाँ। अच्छा, तो आप अकेले लेके जा रहे हो जल, या आपके साथ कोई और है? मेरी मम्मी है। अच्छा, मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरा भाई। अच्छा, लड्डू गोपाल आपका भाई। अच्छा, चलिए, इनकी माता जी है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। एक बार चलते रहेंगे ये लोग, दिखाइएगा यहाँ पे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का, यहाँ पे देख लीजिए बचपन का मूर्ति है, उनको लेके ये लोग पैदल। आप भी पैदल वहीं से आ रहे हो? हाँ। अच्छा, क्या आपकी बच्ची ने क्या मतलब ऐसा मांगा जो कि मजबूर हो गए आप लोग 500 किलोमीटर पैदल चलने पे? चलते रहिएगा। गांव सेवा के लिए। हाँ, गांव सेवा के लिए। गांव सेवा के लिए। अच्छा, तो आजकल इतने बड़े कोई कष्ट नहीं कर पाता है गांव सेवा के लिए? नहीं है, ये कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इससे भी बड़ा कष्ट है। 1200 किलोमीटर हम लोग पैदल वृंदावन यहाँ गए थे। वृंदावन बिहारी जी से मिले। अचानक आपके मन में ऐसा श्रद्धा कहाँ से आ गया कि आपके पैर में देखिए छाले भी पड़ रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ से अभी देवघर कम से कम 40 किलोमीटर है, फिर भी लगातार आप लोग निरंतर पैदल चल रहे हैं? श्रद्धा अपने आप आ गया, हमारे ठाकुर जी बैठे ना हमारे सरकार। हाँ। इन्हीं से। अच्छा अच्छा, ये जल कहाँ से, आप जल सुल्तानगंज से जल उठाए हो? ये जल अयोध्या जी समय हम लोग पैदल यात्रा किए हैं। हाँ। सरयू नदी गंगा जी का है। हाँ। त्रिवेणी संगम का है। हाँ। और ऋषिकेश जी का है। हाँ। यानी लगातार आप 600 किलोमीटर, उसके बाद देवघर से कहाँ जाइएगा, देवघर से कहाँ तक जाइएगा? देवघर से हम लोग सुल्तानगंज जाएंगे। सुल्तानगंज। हाँ, फिर वहाँ से पैदल, फिर वहाँ से पैदल देवघर आएंगे, बाबा बासुकीनाथ से दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आप घर लौटिएगा। उसके बाद हम घर लौट। इतने दिन से अभी आप पैदल चल रही है? आज मेरा 8वां दिन हुआ। आज 8 दिन हो गया। क्या लगता है 10 दिन 15 दिन जितना दिन लगे निरंतर प्रयास आपका जारी रहेगा और आप दर्शन करके आप छोड़ेंगे? दर्शन करके छोड़ेंगे, और जब तक हमारे गाँव में ये एम्बुलेंस की सुविधा ना मिले। हाँ। तब तक ये हमारा पैदल यात्रा जारी रहे। यानी आप जन सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ हित में, जन हित के लिए आपने ये जल उठाया और उसके बाद में झारखंड से आप पैदल देवघर तक का यात्रा कर रहे हैं। हाँ, करेंगे, और जनता जनार्दन से यही प्रार्थना करेंगे। हाँ। कि जो रास्ते में गौ माता को छोड़ देते हैं। हाँ। नंदी महाराज को छोड़ देते हैं। हाँ। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। हाँ। कोटि कोटि नमन करूंगी। हाँ। कि उनको बचाइए। हाँ। उनको बचाइए। आज गौ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। हाँ, है सबसे बड़ा। 33 करोड़ देवता देवी उन्हीं में है। हाँ। और मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। हाँ। कि जो रास्ते पे छोड़ देते हैं। हाँ। उनको बचाइए, उनको चारा दीजिए। हाँ। यही मैं प्रार्थना करूंगी। यानी अगर आप अपने गौ सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, उसी में आपका धर्म है। हाँ, धर्म है। चलिए, एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार पीछे दिखाइएगा इनका, एक बार बोर्ड देखिएगा इस जगह पे, इधर इधर एक बार इधर इधर आइएगा, एक बार देखिएगा
सामने लिखा हुआ है बहन जी के पीछ पे डायरेक्ट पैदल यात्रा 21 लीटर जल लेकर 360 किलोमीटर झारखंड कोंड कोडरमा से देवघर तक, देवघर से सुल्तानगंज एवं सुल्तानगंज से देवघर तक, ये समझ जाइए पैदल यात्रा कर रही है। तमाम लोगों से एक बार कहना चाहूँगा इस बहन के लिए एक बार ताली बजनी चाहिए और जोरदार से आप लोग इनका स्वागत कीजिएगा। और